तो फ्रेंड हैप्पी न्यू ईयर का फोटो एडिटिंग करने के लिए अपने मोबाइल में सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। जैसे प्ले स्टोर ऐप ओपन हो जाएगी तो अब आपको जैसा मैं सर्च बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ वैसे टाइप करना है। क्या लिखना है आपको? हैप्पी न्यू ईयर फोटो फ्रेम। और जैसे इस प्रकार से टाइप करोगे तो आपको ये सेकेंड नंबर वाली एक ऐप दिख रही होगी, तो इस ऐप को क्या करना है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तो इसके बाद क्या करें, इस ऐप को ओपन करें। जैसे ओपन करोगे तो किस इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो अब आपको क्या करना है, जैसा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको कुछ फ्रेम दिख रहे होंगे, यहाँ पर प्रोफाइल्स और यहाँ ग्रीटिंग कार्ड। तो आप जैसा कि फ्रेम में अपना फोटो सेट करना चाहते हो तो इस फ्रेम के ऑप्शन पर क्लिक करो। अब आपको क्या करना है, गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी पर क्लिक करोगे तो आपको क्या, गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब गैलरी में से आपको कोई भी अपना फ़ोटो चूज करना है। तो फ्रेंड जैसा कि गैलरी में से मैंने इस फोटोज़ को चूज किया तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो, अब आपको कट का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि आप अपने फोटोज़ को इस प्रकार से कट कर सकते हो, तो जैसे ही कट करोगे तो आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन मिलेगा डन का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्या करना, नीचे आप देख रहे होंगे स्क्रॉल में आपको 15-20 टाइप की फ्रेम मिल जाएगी। अब आप जिस फ्रेम में अपना फोटो सेट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको मेरा फ़ोटो सेट करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हो ये अपने फ़ोटो लिया तो वो फ़ोटो और ये आपको फ्रेम में देखो, इस प्रकार से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो और ये सेट हो चुका है। अब जैसा कि इस फ्रेम में आप इस फोटोज़ को सेट करना चाहते हो तो ये देखो इस फोटोज़ को, तो ये देख सकते हो मेरा फोटो सेट हो चुका है। जैसे कोई भी आपको फ्रेम चूज करनी, फ्रेम चूज करने के लिए नीचे आपको बहुत सारी फ्रेम मिल जाएगी। जैसे ही कोई फ्रेम चूज कर ली, जैसा कि मैंने इस फ्रेम को चूज किया तो ये आ गई, कोई भी फ्रेम आप चूज कर सकते हो। तो ये फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सेव करना हो तो गैलरी में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सेव का कोने में, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड अब आप देख सकते हो मेरा फोटो गैलरी में सेव हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से हैप्पी न्यू ईयर का फोटो एडिटिंग कर सकते हो।